माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभ आरंभ किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 46 शिक्षकों का चयन किया गया। इन्हें 3 चरणों में माननीय राष्ट्रपति जी सम्मानित करेंगे। प्रस्तुत है पहले चरण में पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों के कृतित्व पर आधारित एक लघु फिल्म। गुजरात के ममता मंदिर में पढ़ाने वाली श्रीमती कंचनबेन खोदा भाई पांड्या ने इन दिव्यांग बच्चों के जीवन को एक नई दिशा दी है। कक्षा में पढ़ाने के लिए रचनात्मक क्रियाविधियों के साथ ये छात्रों को राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। इनके इन प्रयासों को सराहते हुए सरकार द्वारा कंचनबेन खोदा भाई पांड्या को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। निकोबार जिले का गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किनमई, और ये है यहाँ के शिक्षक डॉक्टर बेंसी जॉय। डॉक्टर जॉय ने वॉल सिटिंग इनोवेशन, मैथमेटिकल क्लब जैसे प्रयोग कर सभी विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ा दी। डॉक्टर बेंसी जॉय डायनेमिक इको क्लब भी चला रहे हैं। बतौर शिक्षक डॉक्टर बेंसी जॉय को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये है मिसरास पट्टी देहरादून, उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र में स्थित विद्यालय। राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक श्री रमेश प्रसाद बडोनी, जिन्होंने सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों का समाधान ढूंढने के रास्ते दिखाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने इनके प्रयासों को सराहा। श्री रमेश प्रसाद बडोनी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। स्कूल की प्राइमरी टीचर मुतुम तोम्बी मचा सिंह, एनरोलमेंट बढ़ाने के प्रयासों में ये है सक्रिय। क्या करूं, मेरा काम तो बच्चों को स्कूल में लाना है। दिव्यांग बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर प्रोत्साहित करते हुए मोटुम तोम्बी मचा सिंह को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार। और अब माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से हम विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 प्रदान करने हेतु कृपया मंच के आगे आएं। साथ ही हमारा अनुरोध है मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री श्री धोत्रे संजय शमराव से कि वे भी कृपया मंच के आगे आएं। सुश्री कंचन खोड़ा भाई पंड्या, गुजरात। डॉक्टर बेंसी जॉय, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। श्री रमेश प्रसाद बडोनी, उत्तराखंड।